الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله टीवी की तबाकारी इन्हीं साले मेरे हाथ में है ये मेरे शेख तरीकत का है अमीर आल सुन्नत, हजरत अमामा मौलाना महमद लियारी रजवी ज़ियाई दामद बरक्त आलिया का बयान ये तहरी तौर पर पेश किया गया है इसके सफ़ा नंबर एक और दो पर अलबर्दी के हवाले से दुरूद पाक की फजीलत लिखी है मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ अल्लाह ताली में कसरत दुरूद की स्यादत नसीब फ़रमाएरत सदना इमाम महमद बिन अब्दुलरमान सखावी रम् तकल फरमाते हैं अल्लाह वजल ने हज़रत सदना मूसा कलीमल नबी सलासलम की तरफ वही फरमाई कि मैंने तुझमें दस हज़ार कान पैदा फरमाए यहाँ तक कि तूने मेरा कलाम सुना और दस हज़ार ज़बाने पैदा फरमायीं जिनके ज़रिए तूने मुझसे कलाम किया तू मुझे बहुत ज़्यादा महबूब और मेरे नज़दीक तरीन उस वक्त होगा जब तू मेरा जिक्र करेगा और मोहम्मद पर कसरत से दुरूद भेजेगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु सल्लूल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला अला मोहम्मद व सल्ला व वही व वबारक व मिठे मीठे इस इस्लाम भाइयों मदनी चैनल के नाजरीन फ़ैज़ान हदाय के बख्शी सिलसिले में एक बार फिर हाजिरी है आपको खुश आमदीद कहा जाता है मरहबा कहा जाता है आइए हम अच्छी अच्छी नीयतें करते हैं उसके बाद कलाम सुनेंगे फरमान वसल्लम नियतुल वसलम खैरु मिन ही मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है याद रखिए अच्छी नीयत किए बगैर किसी नेक अमल का फ़वाब हासिल नहीं होता ये भी याद रहे नेक अमल में जितनी ज्यादा अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे उतना ही सवाब भी बढ़ता चला जाएगा मैं नियत करता हूं कि अल्लाह ताला की रजा के लिए सवाब हासिल करने के लिए कलाम पढ़ूंगा और उसकी वजाहत करूंगा इन श्लाजल आप भी नियत कीजिए इमाम अहमद रजा खान के हैं चौदह हरूफ इसकी नस्बत से सिलसिला फैजान हदाय के बख्शिश की चौदह नीयतें नंबर एक अल्लाहल की रजा और खुशनूदी के लिए इस सिलसिले में अव्वल तखिर शिरकत करूंगा जिक्र मुतफ़ा दीन की तज़ीम के लिए हतमान दोजानों बैठूँगा हर नीयत के बाद इन शल कहूँगा इस नीयत से कि नेकी का आज़म करते हुए इन शहना नबियों की सुन्नत है जब कुरानी आयात तिलावत की गई तो रहमत इलाही की उम्मीद पर बघौर सुनूँगा और अपने इख्तियार में हुआ दिल में अखलास भी पाया तो बुक्म हदीस अश्क बारी करूँगा मुमकिन हुआ तो अल्लाह ताला की रजा पाने और सवाब कमाने के लिए ताज़ी में मुस्तफ़ा बजा लाते हुए निगाह नीचे किए गुमबद खजरा का तस्वूर बांध कर अपने बस में हुआ दिल में खलूस भी पाया तो इश्के रसूल में डूब कर रोते हुए इखलास के साथ रोने वालों की मुशाबहत की नीयत से रोने जैसी सूरत बनाकर नाद शरीफ सुनूंगा और आज जो कलाम है ये बड़ा ही इबरतनाक है तो इबरत की नीयत की जा सकती है मुमकिन हुआ तो साथ मिलकर पढ़ूंगा अल्लाह ताली के इसमें जलालत को सुनकर अज्जाजल कहूँगा नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु सल्ल अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम सुनकर दुरूद पाक पढ़ूँगा हसब मौका रदी अल्लाह रहमतुल्लाह तहमत ला तहूँगा अहम मदनी फूल लिखूंगा सल्लु अलल हबीब वग़ैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजोई की नीयत से नुमा आवाज़ से जवाब दूंगा जो नेकी की दावत दी गई उस पर अमल करूँगा जिस बुराई से आ किया गया उससे बाज रहूँगा इस सिलसिले और उम्र भर की नकियाँ जो रब तला की रहमत से मेरे पास हैं मैं उन्हें अपने आका व मौला महम्मदल्ला सल्ला तसल् की बारगाह में हदयता तोफ़तान तो पेश करता हूँ नबी रतल्ला तसल्म के वसीले से इसका सवाब सारे नबियों को रसूलों को साहबा तबईन तबा तबीन खलाफा राशिदीन महातुलमुमिन आइमा मुजतदीन शहीदानो असीर कर्बोबला आइमा रब आ खूस सिलसिला कादरिया रजवी अतारिया के बुजुर्गान दीन जुमला मुस्लिम मसलिमीन बिलखसूस अपने शेख तरीकत अमीर सुनत हज़रत मौलाना महमद इलिया सत्तार क़ादरी रजवी ज़ियाई दामद बरक़ात आलिया और इनके ख़ानदान बिलखसूस वालदे और औलाद को इस साल ब करता हूँ सल्लूबीब मोहम्मद वाल वबारक वा वा वसलम वा मिठे मीठे इस टाइम भाईओ और मदरी चैनल के नाजरीन मेरे आका सैदी आला हजरत अली रहमत रह 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 बहुत बड़े आलिम मुफ्ती और बाकरामत वली बहुत बड़े शायर आम शायरों की तरह नहीं थे कि वो इश्किया फिशकिया शेर लिखे नहीं आपके अशार हमद बारी ताला मुनाजात पर मुश्तमिल हैं नात रसूल पर मुश्तमिल हैं, इसखासे बारगारी सालत में और इबरत के मदनी फूल हैं आपके अशार में आज जो कलाम हम पढ़ने सुनने की सादत हासिल करेंगे इसमें इबरत ही इबरत है इबरत ही इबरत है अल्लाह में सही तरह से पढ़ने सुनने की तोफ़ीता फरमाए इबरत हासिल करने की तोफ़ीकता फरमाए रे का सफर है जो आखरत की तरफ जाता है ये कांटों भरा है पुरखार है खार कांटे को कहते हैं पुरखार कांटों से भरा हुआ रास्ता कांटों भरा है और हमारी हालत यह कि पैर जख्मी है पांव अफगार हैं, अफगार यानी जख्मी हैं, मजबूरियां परेशानियां दुश्वारियां, तंगदस्तियां लाचारियां बे औलाद की आजमाइशें बस रुकावटें रुकावटें ये सफ़र कैसे तय होगा क़ब्र खशर हिसाब व किताब के मामला कैसे तय होंगे अल्लाह अकबर मिठे मिठे इस्लामी भाइयों याद रखिए दुनिया आखिरत की खेती अ तसीर शराह सगीर में है हदीस पाक फत दुनिया मज़रातुलआरती वमा यफ अलोहबिन खरन व शर्र तब हरु नतीजा तो हु दार्बा दुनिया आखरत की खेती है जो शख्स इस दुनिया में रहते हुए खैर शर के काम करता है तो उसका नतीजा दारुल बका आखिरत में जाहिर होगा तो जो आखरत की खेती चाहे आखिरत में अजर चाहे वो क्या करे नेकमल करे और क्या करना है आइए मैं आपको जन्नत में ले जाने वाले आमाल जो मदीना की मतबुआ है और दो हज़ार से जायद मुस्तनद अदीस का मजमु है और मौजू क्या है जन्त में ले जाने वाले अमाल उन अमाल का तस्करा है जो जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं चुनाचे सफा नंबर छः सौ सतासी पर जो रिवायत है वो आपकी ख़िदमत में पेश करता हूँ हवाला दिया हुआ है अलमुस्तदरकिस नंबर तीन हज़ार सात सौ नौ हैदरत सैना अब हर अरदी अल्लाह तहोस रवायत आक मज़लूम सरवर मासूम हसन अखलाक के पैकर नबियों के ताजवर महबूब रब अकबर अलैहि वसल्लम ने यह आयत उबार का तलावत फरमाई पारा पच्चीस सूर शुरा आयत नंबर बीस आए ये आयत हम भी पढ़ते हैं। सुनते हैं तर्जमा कंजुल ईमान से सुनेंगे

और जो दुनिया की खेती चाहे हम उसे उसमें से कुछ देंगे और आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं फिर फरमाया अल्लाह अजल फरमाता इब्ने आदम तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा मैं तेरा सीना गिना से भर दूँगा तेरे फक्र को ख़त्म कर दूँगा और अगर तूने ऐसा ना किया तो तेरे सीने को मसरूफियत से भर दूंगा और तेरे फक्र को ख़त्म नहीं करूँगा rah pore qa आखिरत की तैयारी तो ना करें और फिर कहें कि बस ये जहन बना लें कि काम बन जाएगा कुछ नहीं होता सब कुछ ठीक हो जाएगा तो यूं ही हम शैतान के चक्कर में रहे नेक आमाल से गाफिल रहे तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों कहीं आखिरत हम बर्बाद ना कर बैठें याद रखें कि अगर हम गफलत की नींद सोते रहे नमाज़ों से गाफिल रहे रमज़ान के रोज़ों से गाफिल रहे फ़र्ज़ होने के बावजूद ज़क़़त ना दी हज अदा ना किया वादा खिलाफी कवीरा रहा झूठ गीब चुगली बदगुमानी तर्क ना किए फिल्में ड्रामों का शौक़ रहा गाना और सुनना मशला रहा वालदन की नाफ़रमानी गालियाँ बकना तरह तरह की बेहजाई की बातें ना सुधरे और फिर भी अपने आप को अकलमंद समझते हैं हालांकि ऐसे शख्स से बढ़कर और बेवकूफ़ कौन होगा तो याद रखें मेरे आका इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद ग़ाली अली रम्वालीम में निकल करते हैं ईमान के बीज को इबादत का पानी ना दिया जाए या दिल को बुरे अखलाक से मुलवस छोड़ दिया जाए और दुनियावी लज्जत में मुनहमिक हो फिर मगफरत का इंतजार करे तो उसका इंतजार एक बेवकूफ और धोखे में मुब्तिला शख्स का इंतजार है सुनाने ने हदीस नंबर दो हजार चार सौ सड़सठ मेरे आकाद आलम के दाता शब असरा के दूला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आजि यानी बेवकूफ शख्स वो है जो अपने नफ्स को ख्वाहिशात के पीछे चलाता है और इसके बावजूद अल्लाह से आरज़ू रखे तो वो नादान है वो बेवकूफ़ है जो नमाज नहीं पढ़ता रोज़े नहीं रखता फिल्में ड्रामे देखता है गाने बाजे सुनता है दाढ़ी मुडाता है मुट्ठी से घटाता है और फिर भी वो आखिरत में अपने लिए आम का इंतज़ार करता है तो ऐसे को शैतान गुमराह कर देता है और शैतान बहुत ही वो ऐसा लगता है जैसे माहर नफसियात है हर एक को उसकी नफ्सियात के मुताबिक डील करके वो गुमराह करने की कोशिश करता है आखिरत से गाफिल करता है अल्लाह ताफिल करता है रसूल पाक सल्ला वसलम के इर्शादा से गाफिल कर देता है

है खौफ छाया हुआ है कि नफ्सो शैतान से वास्ता पड़ गया अल्लाह जानता है क्या होगा उसको क्या मंजूर है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह के नबी से फरियाद है नफ्स की से। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों शैतान किस कदर बदबख्त है और कैसा हमारा दुश्मन है इसको समझने की कोशिश कीजिए आइए आपको मैं रिवायत इस सिलसिले में पेश करता हूँ चुनाचे आमीर आसन्नत का रिसाला है बुरे खात्मे के अस्बाब इसमें आमिर आसन्त ने रिवायत नकल की है रोहलबयान जल दस अफरा तीन सौ पंद्रह के हवाले से एक बार मदीने के ताजदार सल्ला वसल्लम के दरबार में शैतान मक्कार रूप बदल कर हाथ में पानी की बोतल लिए हाजिर हुआ अर्ज़ की मैं लोगों को नजर के वक्त ये बोतल ईमान के बदले फ़रोख्त किया करता हूँ ये सुनकर आका नामदार शफी रोजे शुमार उम्मत के गमखार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना रोए के अहले बहते अतहार भी रोने लगे अल्लाह सजल ने वही भेजिए मेरे महबूब आप गम मत कीजिए मैं बलत नज़ा अपने बंदों को शैतान के मकर से बचाता हूँ हर उम्मती की फिक्र में आका हैं मुतरब गमखार वाले देन से बढ़कर हुजूर हैं बेशक तारे सलाम अपने हर उम्मती से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं ये शैतान बदबख्त, ये नज़ा के आलम में भी आकर बहकाता है और ईमान लूटने की कोशिश करता है अल्लाह की पनाह ना कि है। शैतान दोस्तों की शक्ल में आता है नसारा और यहूदियों का मज़हब इख्तियार करने के लिए कहता है काश इसके मकरो फरेब से हम बचने में कामयाब हो जाएं और ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएं। और इसके मकरो फरेब से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो कोशिश करेगा अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमाएगा चुनाचे पारा दोस्

इस्लाम में पूरे दाखिल हो और शैतान के कदमों पर ना चलो बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है अल्लाह तबारक वाता से इस शैतान मरदूद ने क्या मुकालमा किया आइए मैं आपकी ख़िदमत में पेश करता हूँ चुनाची हजरत अबू सईद रदी अल्लाह से मरवी है रसूल सल्लासम ने फरमाया शैतान ने अर्ज की यारब तेरी इज्जत की कसम मैं तेरे बंदों को उस वक्त तक बहकाऊंगा जब तक इनकी जाने इनके जिस्मों में रहें रबल ने फरमाया मुझे अपनी इज्जत और जलालत और बुलंदी दराजात की कसम मैं इन्हें बख्शता ही रहूंगा जब तक वो मुझसे मुआफी मांगते रहें। तो शैतान बहकाता है वसवसे डालता है गुनाह करवाता है तो हम अल्लाह दोबारा का वह की बारगामे रुजू करें तोबा करें और तोबा करते रहें कि हदीस में आया मिन गुनाहों से तोबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं मजीद सुनिए आला हजरत इबरत के मदनी फूल इनायत फरमा रहे हैं बिद वही करना जिससे दोस्त बेजार है क्या हो है यानी हमें जानबूझकर वही करतूत करने वही काम करना है जिससे दोस्त बेजार है हमारे आका सल्लल्लाहु वसल्लम बेजार बेजारे तेरी वहशतों से दिल मुझे क्यों न आर आए तो उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ प्यार आए वो अरबी का मकूला है अल्सान हरीसुन फीमा मुनिया इंसान को जिससे मना किया जाए वो उसके करने पर वो लालची होता है तो हम इतने नादान हैं कि हम ऐसे कारनामे करते हैं ऐसे अमाल करते हैं जिससे प्यारे अकाली व सलाम मना फरमाते हैं और प्यारे अकाली सलाम को जिससे रंज पहुंचता है तो काश हम उन उनमाल की रगबत रखें जिसका प्यारे अकाली व सलाम ने हमें इर्शाद फरमाया तरगीब दिलाई प्यारे अकाल सला तो सलाम अर्शाद फरमाते हैं ये मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर चार हजार दो सौ पैंतीस और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है छः हजार दो रसूल सल्ला तसम ने फरमाया मेरी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग रोशन की बस जब आग ने चारों तरफ रोशनी फैला दी तो परवाने और दूसरे वो जानवर जो आग में गिरते हैं आने लगे और आग में गिरने लगे आग रोशन करने वाले शख्स ने उनको रोकना शुरू किया लेकिन वो रुकते नहीं मेरी कोशिशों पर गालिब रहते हैं आग में गिर पड़ते हैं इसी तरह तुमको आग में पड़ने से रोकता हूं और तुम आग में गिर पड़ने की कोशिश करते हो तो प्यारे अकाली सला सलाम जिन कामों से हमें मुमानत फ़रमाते काश हम उनसे बचने में कामयाब हो जाएं और मीठे मीठे इस्लाम भाई याद रखिए जन्नत जो है ये तकलीफ़ों में ढांप दी गई है ये परेशानियों में ढांप दी गई है ख़ुदकुशी का इलाज मेरे शेख तरीक़त का रिसाला है इसके अंदर अमीर सुन्नत ने एक रिवायत नकल की है वो आपकी ख़िदमत में पेश करता हूँ सही बुखारी हदीस नंबर छह हजार चार सौ सत्तासी सरकारी नामदार दो आलम के मालिक मुख्तार शहन शाह अबरार सल्ला वसलम ने इशाद फरमाया जहन्नम शहावतों से ढांपी हुई और जन्नत तकलीफों से ढांपी हुई तो प्यारे अकाली सला तो सलाम हमें जन्नत की तरफ ले जाना चाहते हैं हम पता नहीं क्या चाहते हैं तो जन्नत जो है ये तकलीफ़ों में और जहन्नम शहवतों से ढांपी हुई है मुफ्ती साहब मर आज जिलसा सफ़ा पाँच पर लिखते हैं जहन्नम ख़ुद ख़तरनाक है मगर रास्ते में बनावटी फूल और बाग़ात हैं दुनिया के गुनाह बदकारियाँ जो बज़ाहिर बड़ी खुशनुमाएँ ये दोज़ख का रास्ता ही तो हैं और जन्नत तकालीफ से ढांपी हुई इसके तहत लिखते हैं जन्नत बड़ा बारदार यानी फलों वाला बाग है मगर रास्ता खारदार है जिसे तय करना नफ्स पर गिरा है नमाज रोज़ा हज ज़क़़ जिहाद शहादा जन्नत का रास्ता ही तो है, तात यानी इबादत पर की शहवास से वलीदगी वाकई नफ्स के लिए मशक्क़त की चीज़ें ख्याल रहे यहाँ शहवास से मुराद हराम ख्वाहिशें जैसे शराब जिना सुरूद यानी गाने बाजे हराम खेल तमाशे इसमें जायज शहवा दाखिल नहीं और तकालीफ से मुराद इबादत की तात की मशक्क़तें हैं लिहाजा इसमें खुदकुशी माल बर्बाद करना दाखिल नहीं मजीद अगले शेर में अला हजरत फरमा रहे हैं और इबरत के मदनी फूल लुटा रहे हैं तन की, तन की अब खबर लेके हैं दिल का का आजार है क्या होना है हमारे की कौन खबर लेगा है, 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 है अफसोस दिल का आजार है क्या होना है यानी हमारे जिस्म की कौन खबर लेगा हमारा दिल वही ख़राब हो गया अब दिल ही ठीक नहीं तो जिस्म कैसे ठीक होगा मीठे मीठे इस्लाम भाइयों मदनी चैनल के नाजरीन दिल ही खराब हो जाए तो जिस्म कैसे ठीक होगा आइए इसके बारे में हदीस पाक सुनते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं मेरे मेरा का सल्ला वसल्लम ने इशाद फरमाया जिसम में एक पारा एक गोश्त है गोश्त का एक लोथड़ा एक टुकड़ा है जब वो ठीक हो जाए तो सारा जिसम ठीक हो जाता है इसकी शरा मुफ्ती साहब लिखते हैं चौथी जिल्द के सफ़ा नंबर दो पर दिल बादशाह जिसम रियाया है जैसे बादशाह के दुरुस्त हो जाने से तमाम मुल्क ठीक हो जाता है ऐसे दिल संभल जाने से तमाम जिस्म ठीक हो जाता है दिल इरादा करता है जिस उस पर अमल की कोशिश कि दिल में बुरे इरादे ना पैदा हों इसीलिए सूफिया कराम दिल की असलाह पर बहुत जोर देते हैं सूफिया फरमाते हैं दिल को अपनी मंजिलों में रखो इसकी मंजिलें फ़र्ज वाजिब सुन्नत मस्त आदा मुबा हैं इन हदूद में रहा तो खैर है अगली मंजिलें खतरनाक हैं उधर ना जाने दो अगली मंजिलें मकर तनजीही मकर तहरीमी हराम वफ्र हैं मकरू तनजीही से बचाओ ताकि आगे बढ़ने की हिम्मत ना करे हदीस पाक बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफा नबे हदीस नंबर पचास मुस्लिम शरीफ में जिल्द आठ सफा दो सौ नबे और हदीस नंबर है उनतीस सौ छियानवे के दिल के वो हमारा वो की अब कौन खबर ले है, है। दिल का आज़ार क्या होना है हमारा दिल ही ठीक नहीं है और दिल की हिफाजत के लिए हम क्या करें इमाम गजाली की बारगाह में हाज़िरी दें इनशाला कुछ मदनी फूल आप इनायत फरमाएंगे और अगर हम उनको दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाएंगे तो राहत पाएंगे तो इसको दुरुस्त रखना यानी दिल को दुरुस्त रखना इमाम गजाली फरमाते हैं इसका मामला बहुत ज़रूरी है कि बाकी आजाद से ये खतरनाक है इसका असर बाकी आजाद से ज़्यादा है इसकी दुरुस्ती ज़्यादा दिक्कत तलब असलाह ज़्यादा मुश्किल है तो दिल की असलाह किस तरह होगी नंबर एक अल्लाह ताला तैयन आखों दिल के पोशीदा राजों को जानता है और बहुत कुछ लिखा है इसके अब वो तफसल काफी लिखी हुई मिनहहाजाबदीन जो मकतवामदीना की मतव है इसके एक सफा नंबर एक सौ बारह तेरह से आप इसको पढ़ लीजिए मीठे, मीठे शरशत हा आका सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम हमें मीठा मीठा शरबत हकाम शरीयत का आता फरमाते हैं। और खैर खाई फरमा रहे हैं लेकिन हमारी हालत उस मरीज की तरह है जो इलाज से दवा से इनकार करता है अब ऐसा मरीज मरेगा नहीं तो और क्या होगा बीमारी उसकी बिगड़ जाएगी और वो मारा जाएगा तो अल्लाह तुम्हारे को तला का कर्म है कि उसने हमें प्यारे अकाली सलात का उम्मती बनाया हमें इस्लाम का शरफ़ अता फरमाया अब शरीयत पर अमल करना प्यारे आकली सलात सलाम के इर्शादात आलिया पर अमल करना खुद हमारे हक में बेहतर है अगर उस पर हम अमल करेंगे तो इनशाला जब वजल दुनिया आखरत की खैरबरकतें हाज़िल होंगी और नहीं अमल करेंगे तो ख़ुद अपने लिए बर्बादी का सामान करेंगे अल्लाह तबारक व तै अपने हबीब के सदक़े में हमें शरीय मतारा पर अमल की शहादत अता फ़रमाए मजीद अली हज़रत वो दिल के बारे में फरमा रहे हैं दिल, दिल के, के हमारे हमार हमारी तीमारदारी करता हमारा ख्याल करता अब इसने क्या ख्याल रखना ही खुद ही बीमार है दिल ही बीमार हो गया हमारा और बीमार दिल कौन सा होता है आइए हम इमाम गजाली की बारगाह में हाजिरी दें ताकि पता चले और आप भी गौर करें मैं भी गौर करूं कि कहीं हमारा दिल बीमार तो नहीं एक तो वो बीमार होता ना कि वाल एक वॉल्व बंद हो गया तो धड़कन का मसला ही है एक वो बीमार है कि दुनिया की मोहब्बत में घिर गया है गुनाहों की लज्जतें इसको लग गई हैं तो जारे वो बीमारी होगा फिर बड़ी मामे गजाली रहमत ला तल की तालीमात जो हैं कि अगर उसमें दिल के अंदर दुनिया की महब्बत है बुखल है हसद है कीना है तो दिल बीमार है और अब इस बीमार दिल का इलाज क्या करें अब इसका इलाज किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास तो नहीं इसको रूहानी मरज़ है गुनाहों का मरज़ है ये बीमार है इसका इलाज क्या है आइए आमिर सुन्नत ने इसका इलाज लिखा है पेट का कुफले मदीना में फैजान सुन्नत में जो एक बाब है पेट का कुफले मदीना उसके सफ़ा नंबर 705 पर आमिर आल सुन्नत ने बीमार दिल का इलाज लिखा है चुनाचे लिखते हैं हजरत सईना अब्दुल्लाकी फरमाते हैं बीमार दिल की पांच दवाएं हैं पांच नंबर एक नेकों की सोहबत अब गौर करें सोहबत हमारी क्या है गाने गाने वालों की फिल्में देखने वालों की ड्रामे देखने वालों की गालियां बकने वालों की माँ बाप की ना फरमानी करने वालों की सोहबत है तो फिर दिल बीमार नहीं होगा तो और क्या होगा अगर इस बीमार दिल की दवा करनी है तो अच्छी सोहबत कैसी सोहबत नमाजियों की सोहबत सुन्नतों को अपनाने वाले की सोहबत उसकी सोहबत जिसकी सोहबत हमें आखिरत की फ़िक्र दिलाए दुनिया से बेरगबत करे नंबर दो तिलावत कुरान जिसकी तोफ़ीक नहीं पढ़ना ही नहीं आता पढ़ेंगे क्या वो पढ़ते गलत सलत पढ़ते हैं। हरफ करफ से तब्दील कर देते हैं पता नहीं किसकी जबान में पढ़ते हैं अरबी ला बोल में पढ़ना ही नहीं आता बकायदा सीखा ही नहीं तो बहरहाल नेकों की सोहबत से दिल का इलाज होता है बीमार दिल का तिलावत कुरान से होता है कम खाने से होता है तहजद की पाबंदी से होता है और रात के आखिरी हिस्से में गिरिया जारी करने से होता है पिछली राती रहमत दी करे बुलंद आवाजा बख्शिश मंगन वालिया कारण ठुल्ला दरवाजा और मीठे मीठे इस टाइम भाइयों ये मुर्दा दिली के असबाब क्या हैं दिल क्यों मुर्दा होता है इमाम आजम ने जो अपने शहजादे को और अपने शागिर्दों को वसीयत की उसमें ये लिखा कि ज़्यादा हंसने से बचना कि इससे दिल मुर्दा हो जाता है और ये भी इरशाद फरमाया कि औरतों के साथ ज़्यादा बातचीत करने और उनकी हमनशीनी इख्तियार करने से बचना कि यह भी दिल के मुर्दा होने का सबब है अब भाभी से बेतकल्लुफ़ी है कज़न से बेतकल्लुफ़ी है चचा जाद से खाला जदा से ताया जाद से मामों जात बहन कहने को बहन है वरना इससे निकाह जायज़ है इससे बेतकल्लुफ़ी है तो दिल मुर्दा नहीं होगा तो और क्या होगा इसी तरह मीठे मीठे इस्लाम भाइयों मदनी चैनल के नाजरीन हदी से पाक में शाद हुआ बहुत जोर से कहका लगाकर मत हंसो कि इस तरह हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है गुनाहों की वजह से दिल स्या हो जाता है जब आदमी गुनाह करता है तो उसके दिल पर सियाही का एक नुक्ता लग जाता है अगर बंदा तोबा करेगा तो वो सियाही मिट जाएगी और अगर तोबा नहीं करेगा गुनाह पर गुनाह करता चला जाएगा तो दिल वो सियाहि के हॉल में जकड़ता चला जाएगा चुनाचे जन्नत में ले जाने वाले अमाल सफा नंबर चार सौ बानवे और चार सौ तिरानवे के शुरू में तिरमिजी हदीस नंबर तीन हजार तीन सौ पैंतालीस शहनशाह खुश खिसाल पैकर हसन जमाल दाफ रंजो मलाल साहिब जूदो नवाल रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु तआला तो अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा जब एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुकता लग जाता है फिर अगर वो तोबा करे और उस गुनाह से बाज आ जाए और इस्तिगफार करे उसका दिल चमका दिया जाता है और अगर वो मजीद गुनाह करे तो उस सयाही में इजाफा कर दिया जाता है यहाँ तक कि उसके दिल पर गिलाफ आ जाता है ये वही जंग है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूँ जिक्र फ़रमाया पारा तीस आय नंबर चौदह कल कलूबी तर्जमाई कंजुल ईमान कोई नहीं बल्कि इनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है इनकी कमाइयों ने तो गुनाहों ने दिल पर जंग चढ़ा दिया बदनिगा ने दिल पर जंग चढ़ा दिया फिल्मों और ड्रामों के देखने ने दिल पर जंग चढ़ा दिया गालियां बकने ने दिल पर संग चढ़ा दिया बुखल ने दिल पर संग चढ़ा दिया हैसद ने दिल में जंग चढ़ा दिया करने ने दिल पर संग चढ़ा दिया सूद और रिश्वत के लेन देन ने दिल पर संग चढ़ा दिया मिलावट करने ने दिल पर जंग चढ़ा दिया ये नित नए गुनाहों का इरतकाब जो है ये दिल पर स्याही को चढ़ा देता है बंदा तोबा करे अल्लाह तबारक वाला तोबा को कबूल फरमा ले तो मुआफ फरमा देता है और दिल रोशन हो जाता है अशार बहुत से हैं मगर टाइम नहीं छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना हम बंदों से छुप छुप कर गुना करते हैं क्या अल्लाह से छुप सकते हैं गार तो हम अल्लाह के जजा और सजा का मालिक तो मौला ताला है तो उससे छुप सकता है छुप छुप कर गुनाह करने वाले गौर कर तो क्या अल्लाह तबारा व तआला से छुप सकता है नहीं छुप सकता सिर्फ लोगों के डर से गुनाह छोड़ता है अल्लाह तबार व तआला से डरता नहीं जहन्नम में ले जाने वाले अमाल में बहुत इबरतनाक रिवायात है सफा नंबर इकसठ पर जरत सईद अब्बास रद्ह फरमाते हैं गुनाहगार तू गुनाह के अंजाम बस से क्यों बेखौफ है हालांकि गुनाह की तलब में रहना गुनाह करने से बड़ा गुनाह है तेरे दाएं बाएं जानी फरिश्तों से हया ना करना क्यान कातमिन से हया नहीं आती और गुनाह पर कायम रहना बड़ा गुना है यानी तोबा किए बग़ैर तेरा गुनाह पर कायम रहना इससे बड़ा गुनाह है तेरा गुनाह कर लेने पर खुश होना और कहका लगाना इससे बड़ा गुनाह है हालांकि तू नहीं जानता अल्लाह ताला तेरे साथ क्या सलूक फरमाने वाला है और तेरा गुनाह पर नाकामी में गमगीन होना इससे बड़ा गुनाह है गुनाह करते हुए तेज़ हवा से पर्दे का उठ जाना तो तू डर जाता है मगर अल्लाह की उस नज़र से नहीं डरता जो वो तुझ पर रखता है तेरा ये अमल उससे भी बड़ा गुना है और भी में ले जाने वाले अमाल में हजरत फजैल का फरमान लिखा है हजरत अब्दुल्ला बिन जैद का फरमान लिखा है हजरत इब्राहिम तैमी का फरमान लिखा है और अल्लाह ताली से हम कहाँ छुप सकते हैं छुप कर गुना करते हैं सज़ा किसने देनी अल्लाह तला ने देनी वो तो जानता है अरे ओ बेपरवाह देख सर पे तलवार है क्या होना है तो हर वक्त मौत की तलवार लटक रही है कच्चे धागे के साथ लटकी हुई समझे कभी मौत आ जाएगी ये बारह चार सुर आल इमरान की आज नंबर एक सौ पिचासी क्या होता है हर जान को मौत चकनी है पारा पांच सूर्य निशा आयत नंबर अठहत्तर सुनिए क्या इरशाद होता है आत कुऊ तु युद्रिकु मिल मऊ तु अलू को तुम फी बुरु जिम्मुसैयद तर्जमाई कंजुल ईमान तुम जहां कहीं हो मौत तुम्हें आएगी अगर चे मजबूत कलों में हो पारा साम आयत नंबर इकसठ इशाद होता है तर्जमाई कंजुल ईमान और वहीिब है अपने बंदों पर और तुम पर निघे बान भेजता है यहां तक कि जब तुम में से किसी को मौत आती है हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करते हैं और वो कसूर नहीं करते और भी आ हैं पारा छब्बीस सूर्य काफ की आयत नंबर उन्नीस पारा सत्ताईस सूर्य वाक्य की आयत नंबर साठ पारा अट्ठाईस सूरह जुमुआ आयत नंबर आठ तर्जमाई कंजुल तुम फरमाओ वो मो जिससे तुम भागते हो वो तो जरूर तुम्हें मिलनी है फिर उसकी तरफ फेरे जाओगे जो छुपा और जाहिर सब कुछ जानता है फिर वो तुम्हें बता देगा जो तुमने किया था तो मीठे मीठे इस्लाइम भाइयों मौत से फरार नहीं मज़ीद आला हजरत इबरत के मदनी फुल इनायत फरमाते हैं काम जिंदा के किए और हमें शौक गुलजार है क्या होना काम हमने जिंदा के किए हैं कैद खाने के किए हैं जहन्नम के किए हैं और शौक हमें बाग का है शौक हमें जन्नत का है हमारा बनेगा क्या ये हमाकत है कि गुनाह करके मगफरत की उम्मीद की जाए यह हमाकत है कि हम जहन्नम के में ले जाने वाले काम करें और उम्मीद करें जन्नत की यह मेरे हाथ में वलद बेटे को नसीहत मदीना की शाय करद रिसाला है इसमें इमाम गजारी रमतल लिखते हैं अमीराम मौला अली मुश्किल कुशा करम करमल्ला वजह करीम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स ये गुमान रखता है कि नेक आमाल अपनाए बगैर जन्नत में दाखिल होगा वह झूठी उम्मीद और आस का शिकार है सैयदना हसन बसरी अली रहमतुल्लाह अल वली फरमाते हैं अच्छे अमाल के बगैर जन्नत की तलब गुनाह से कम नहीं मेरे आका अली सलातो सलाम का इरशाद पाक नो ने के हवाले से लिखा हदीस नंबर दो हजार चार सौ सड़सठ अक्लमंद और समझदार वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए अमल करे और अहमको नादान है जो नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करे नफसानी ख्वाहिश ममनूआत को तर्क किए बगैर अल्लाह जल से दरगुजर और जन्नत की उम्मीद रखे काम जिंदा के किए और हमें शौके गुलजार है क्या होना है रोशनी की हमें आदत और घर तीरा उतार है क्या होना है हमें रोशनी की आदत है और कब्र जो है उसमें तनहा रहना है अंधेरे में रहना है हमारा क्या बनेगा और आखिर में आला हजरत क्या खूब लिखते हैं सुरहान अल्लाह क्यों रजा

और मतदद बार ये आया इन अल्लाह गफ़ूर रहीम बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है तो अल्लाह है मदनी पंसूरा के सफा नंबर दो सौ अड़तालीस पर अमीर सुन लिखते हैं जो हमेशा पढ़ा करेगा क्या या गफारु, या ग़फ़्फ़ारू या याफ़ारू इन श्लाजल नफ्स की बुरी ख्वाहिशा से छुटकारा पाएगा नफ्स की कारस्तानियाँ कितनी आला हजरत ने लिखी तो उससे छुटकारा पाने का विरध अमीर सुन्नत ने जो पंद्रह पंचूरा में दिया वो हम की खिदमत पेश किया या गफ्फारू इससे हमेशा पढ़ते रहेंगे जो तो नफ्स की बुरी ख्वाहिशें गुनाहों बरी ख्वाहिशें इन शहजल उससे छुटकारा हासिल हो जाएगा और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों मद, मदनी चैनल के नाजरन मदनी माहौल अपना लें इनशाला इस तरह भी छुटकारा हो जाएगा देखिए मेरे हाथ में रिसाला है गुलूकार कैसे सुधरा तो बड़े बड़े गुलूकार सुधार दिए दावत इस्लामी ने वो गुलूकारों को नात खां बना दिया और कई गैर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होकर मुबलिक दावत इस्लामी बन गए इस्लाम के मुबलिक बन गए अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा इस्लामी भाई अब इस्लामी भाई ये पहले तो वो मुसलमान ही नहीं था गैर मुस्लिम था इस्लाम कबूल किया दावत इस्लामी का मदनी माहौल मिला जामिया में दाखिला लिया और अल्लाह वो मदनी हुए और अब वो इस्लामी भाई मदीना के मदरस हैं ये मदनी माहौल के बाहर हैं तो नफ्स सौ शैतान से छुटकारा पाने के लिए मेरे शेख तरीकत अमीर सुनत हज़रत मौलाना मोहम्मद इलिया सत्तार कादरी रजवी जयाही दामद आलिया का दामन थाम लें पिर मुर्शिद का दामन किसी जाम शरात पीर के मुरीद बन जाएँ चूँकि मैं 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 हूँ आपको भी अत होने का मशवरा दूंगा इससे भी नफसो शैतान से छुटकारा मिल जाएगा मदनी माहौल अपनाएं इससे भी नफसो शैतान से छुटकारा हासिल होगा काफलों में सफ़र करें इन शजल इसमें भी जहन बनेगा नफसो शैतान से छुटकारा पाने का दावत इस्लामी के जहाँ जहाँ इजतमत होते हैं दर्स होते हैं इसमें शिरकत कीजिए मदरसतमदीना बालिगान में आ जाइए अच्छी सोहबत इख्तियार कीजिए इन शह इससे भी नफ्स शैतान की बुरी ख्वाहिशा से छुटकारा हासिल होगा और इस पर गलबा नसीब हो जाएगा अल्लाह ताला नसीब फरमाए आमीन बिजाह नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुमकिन है कि मेरे हद रसूल